दोस्तों आप अपने घरों में या फिर अपने दोस्तों रिश्तेदारों के घरों में म्यूजिक सिस्टम होम थिएटर तो जरूर सुना होगा। ये कई टाइप के होते हैं, कई बार आपने 2.1 चैनल देखा होगा, कभी कभी 5.1 या फिर 7.1 म्यूजिक सिस्टम आपने देखा होगा या फिर सुना होगा। तो आज आप लोग ये वीडियो देखते रहिए, हम लोग इसी 2.1, 5.1, 7.1 जो होम थिएटर म्यूजिक सिस्टम होता है वो क्या है, ये तीनों में क्या क्या डिफरेंस है और क्या क्या एडवांटेज है, और आपको किस तरह का म्यूजिक सिस्टम अपने घरों के लिए लेना चाहिए, इस वीडियो में हम लोग इसी के बारे में बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सावन और आप देख रहे हैं टेक्निकल गुप्ता जी। दोस्तों शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के ठीक नीचे आप देख सकते हैं कि लाल कलर का सब्सक्राइब का एक बटन होगा, इस पर आप क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप पीसी या लैपटॉप या फिर मोबाइल में भी देख रहे हैं तो वीडियो के नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन होगा, उसको आप दबा के आप सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों जो 2.1 जो होम थिएटर म्यूजिक सिस्टम होता है उसमें दो छोटे छोटे आपको स्पीकर्स मिलते हैं और एक जो आपका सब वूफर मिलता है। तो जो छोटे छोटे दो स्पीकर्स होते हैं, जो बेसिकली आप उसको टीवी या फिर किसी भी टीवी के सामने ही रखते हैं, लेफ्ट और राइट में अगर आप रखते हैं तो एक सिंपल एक म्यूजिक सिस्टम होता है। इसमें कुछ खास क्वालिटी होती नहीं है, सिंपल सा है, दो स्पीकर होते हैं और एक आपको सब वूफर होता है। सब यानी 0.1 जो हो गया वो सब वूफर हो गया। इसमें आप बेसिकली जो सब वूफर होते हैं वो बेस का काम करता है, जो हम लोग बेस बढ़ाते हैं तो थोड़ी जो जो साउंड में जो वेट होती है, जो धमक होता है, वही जो 0.1 हो गया वो एक छोटा सा डब्बा जैसा होता है, वही बेस होता है। तो हम लोग सारा कनेक्शन क्या करते हैं, इनपुट जो भी होता है सारे स्पीकर्स का जो कनेक्शन है उसी बेस के पीछे में आप देखेंगे तो उसमें कनेक्टर दिया होता है, उसी में कनेक्ट करते हैं, पावर सप्लाई वगैरह सब उसी में कनेक्ट किया जाता है। और जो लेफ्ट और राइट के जो स्पीकर्स होती है वो सिंपल होती है, लेफ्ट साइड से कुछ आवाज आ रही होती है लेफ्ट वाली और राइट साइड से आवाज आ रही तो सिर्फ आवाज वो सुनने के लिए होता है। यानी 2.1 जो म्यूजिक सिस्टम है ऐसा समझ लीजिए कि ये बहुत ही सिंपल म्यूजिक सिस्टम होता है जो कि हम लोग घर में एक नॉर्मल यूज करते हैं म्यूजिक या फिर टीवी वगैरह एंटरटेनमेंट पर्पज से। अब हम बात करते हैं 5.1 के लिए। तो 5.1 जो म्यूजिक सिस्टम होता है ये भी हम लोग घर में ही यूज करते हैं, लेकिन ये जो 2.1 से थोड़ा इन्हांस है। इसमें आपको चार छोटे छोटे स्पीकर्स मिलते हैं और एक जो सेंटर का स्पीकर होता है वो थोड़ा साइज में बड़ा होता है, तो कुल मिलाकर टोटल 5 स्पीकर्स हो गए आपको और एक जो है आपको सब वूफर मिलता है, इसलिए 5.1 नाम से आपको जाना जाता है। फिर 0.1 वही बेस का काम करता है, उसमें धमक होता है, पावर कनेक्शन सेम होता है, जो इनपुट हम लोग जो पावर को कनेक्ट करते हैं वो बेस से ही कनेक्ट करते हैं, या फिर कई बार आपको अलग से एक डिवाइस भी दिया जाता है कि हम लोग उसमें सारे को पावर को कनेक्ट करते हैं। देखिए 5.1 में जो बेसिकली अरेंजमेंट स्पीकर्स का होता है वो कुछ इस तरह का होता है। विदाउट अरेंजमेंट अगर आप गाना सुनेंगे तो बिल्कुल भी मतलब एकदम गंदा सा आवाज़ आपको आएगा, लगेगा क्या गाना बज रहा है कुछ पता ही नहीं चलेगा। जैसे कि आप टीवी देख रहे हैं तो टीवी के सबसे ऊपर में जो रखेंगे वो सेंटर वाले स्पीकर्स रखेंगे और टीवी के लेफ्ट में लेफ्ट स्पीकर्स और राइट वाले राइट स्पीकर्स, यानी जो 3 स्पीकर्स होंगे वो टीवी के यानी आप जहां बैठे बिल्कुल उसके सामने सामने होंगे, और जो सराउंडिंग के जो 2 स्पीकर्स होते हैं बिल्कुल आपके बैक साइड में, वो दोनों इस साइड पे आपको लगेंगे। इससे में होता क्या है कि जो लेफ्ट साइड से अगर सपोज कोई गाड़ी की आवाज़ चले लेफ्ट से राइट जा रही है तो आपको ऐसा फील होगा कि जो जो गाड़ी की आवाज़ है वो लेफ्ट साउंड से पहले मतलब निकल के राइट साउंड की तरफ जा रहा है, आपको लगेगा ऐसा कि गाड़ी जो है लेफ्ट से राइट मूव हो रही है। ठीक उसी प्रकार अगर आप साउंड को जस्ट उल्टा करके रख देंगे तो जाएगा लेफ्ट से राइट लेकिन सुनाई देगा आपको राइट से लेफ्ट। तो स्पीकर का अरेंजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, अगर आप ठीक से नहीं रखेंगे तो आवाज़ तो आपको बराबर मिलेगी लेकिन आप कंफ्यूज हो जाएंगे। सेंटर वाले जो स्पीकर्स होते हैं उनका बेसिकली काम क्या है कि लेफ्ट और राइट तो दोनों को जो मिक्स करके वो रखता है। जो छोटे छोटे जो भी स्पीकर्स है वो होते हैं मिड रेंज स्पीकर्स, मिड फ्रीक्वेंसी वाले स्पीकर्स होते हैं। तो जैसे हम आप बात कर रहे हैं तो एक नॉर्मल साउंड में बात, तो वो एक मिड फ्रीक्वेंसी वाले स्पीकर्स होते हैं। एक ट्विटर होता है, ट्विटर वो वाले ट्विटर हैं जो हम लोग ट्वीट करते हैं, तो एक ट्विटर होता है जिससे जिसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा हाई होती है, तो हाई फ्रीक्वेंसी होने से जो आवाज़ होता है बिल्कुल पतला हो जाता है। तो आप देखते होंगे कभी कभी म्यूजिक में बिल्कुल एक पतला सा एक आवाज़ आ रहा है, कुछ छनछनाहट से सुनाई पड़ रहा है, तो वो आपको ये पॉइंट जो आपको है वो हाई फ्रीक्वेंसी साउंड से वो आपको ट्विटर में सुनने को मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं जो बैक के जो 2 सराउंड साउंड होते हैं उसके बारे में। तो ये जो सराउंडिंग साउंड होते हैं ये बेसिकली इसका यूज़ क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। सपोज आप और अपने म्यूजिक सिस्टम पे और टीवी से कनेक्ट करके आप क्रिकेट मैच देख रहे हैं, क्रिकेट मैच में कई बार आप देखेंगे जो कमेंट्री होती रहती है बिल्कुल वो सामने से होती रहती है, लेकिन जो अगर से कि 6 या 4 लगता है तो जो पब्लिक जो कमेंट्री जो ताली बजाते हैं वो बिल्कुल पीछे से नजर आएगा, यानी कुछ भी ऐसा इफेक्ट जो पीछे वाली इफेक्ट है वो पीछे वाली आएगा। तो ऐसा कोई भी इफेक्ट अगर आपके टीवी या फिर किसी भी चीज़ में जिससे आप होम थिएटर सुन रहे हैं या फिर पेन ड्राइव मेमोरी कार्ड जिस चीज़ से भी सुन रहे हैं तो ऐसा कुछ इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा कि जो सामने में आवाज़ आ रहा है वो बिल्कुल लेफ्ट राइट और सेंटर से आ रही है, लेकिन कुछ साउंड ऐसे भी होते हैं जिनका इफेक्ट आपको पीछे से आएगा। सपोज आप कोई हॉरर मूवी देख रहे हैं
हॉरर मूवी में अक्सर आप देखेंगे कुछ जो बैकग्राउंड जो कुछ इस तरह का आवाज डरावना सा जो आवाज आता है वो बिल्कुल आपके पीछे कानों के पीछे से आगे लगेगा, आपके पीछे से कोई आके कुछ आपको डरा रहा है, तो वैसा रियल का इफेक्ट जो है आपको ये आपको 5.1 में मिलेगा। ये चीज आप 2.1 में चाह के भी मजा वो आपको नहीं आएगा, तो 5.1 निश्चित रूप से 2.1 से बेटर है। अब हम बात करते हैं 7.1 होम थिएटर म्यूजिक सिस्टम के बारे में। तो 7.1 और 5.1 में कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बस दो स्पीकर्स का डिफरेंस होता है। ये जो दो स्पीकर्स होते हैं टू स्टीरियो स्पीकर्स होते हैं, तो ये दो टू स्टीरियो स्पीकर्स जो होते हैं बस बेसिकली दो ज्यादा स्पीकर्स होते हैं जिसमें आपको एक्चुअल 3D साउंड का इफेक्ट आपको सुनने को मिल जाएगा। यानी कि जो 5.1 में आपको 3D तो नहीं मिल पाएगा, लेकिन साउंड क्वालिटी 2.1 से रियली में वो बेटर होता है, लेकिन जो 3D साउंड का जो इफेक्ट है वो आपको 7.1 में देखने को मिल जाएगा। ये देखिए वे प्राइस पे डिपेंड करता है, 2.1 से 7.1 ये अलग अलग कंपनी का अलग अलग प्रोडक्ट का अलग अलग प्राइस है, वो आप प्राइस के हिसाब से प्रोडक्ट के हिसाब से हालांकि वो मतलब साउंड की क्वालिटी अलग अलग होती है। हालांकि आपको तो ये सब चीज़ समझ के देख के मार्केट में अगर आप सुन के ले रहे हैं या फिर सुना हुआ है या फिर किसी फ्रेंड फैमिली के घर पर देख रहे हैं तब आप खरीद सकते हैं। मैं जो घर में यूज करता हूँ वो मैं अमेजन से लिया था, उसका प्रोडक्ट का लिंक मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ये 5.1 म्यूजिक सिस्टम है, अगर आप ये प्रोडक्ट खरीदना चाहें तो वहाँ पे से भी जाके आप खरीद सकते हैं। तो उसकी जो क्वालिटी मुझे इतनी अच्छी लगती है कि मैं अपने घर में जो अक्सर यूज करता हूँ तो बिल्कुल जैसे टीवी से कनेक्ट कर दिया या फिर पेन ड्राइव से यूज कर लिया तो बिल्कुल ईजी है, आप गाना भी सुन सकते हैं टीवी, और टीवी देख रहे तो टीवी से भी यूज कर सकते हैं। तो साउंड की जो क्वालिटी एकदम बराबर मिलती है, आजकल जो LED वाली टीवी है उसकी जो क्वालिटी है साउंड की वो बिल्कुल भी बढ़िया नहीं होती है, तो होम थिएटर आपको एक अलग से लेना ही पड़ जाएगा। तो वो आप म्यूजिक सिस्टम चाहे तो आप खरीद सकते हैं। अब ऐसे में 7.1 और 5.1 के बारे में हम बात करें तो 7.1 अगर आपका बजट थोड़ा ज़्यादा है, आप थोड़ा 30,000 35,000 40,000 तक आप म्यूजिक सिस्टम में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप 7.1 भी आप ले सकते हैं। उसमें आपको क्वालिटी जो है 5.1 से और भी ज़्यादा बढ़िया मिलेगा, यानी आप 3D साउंड जो है रियली में और बहुत अच्छा से मजा ले सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि 2.1 7.1 और 5.1 क्या है, तीनों में क्या डिफरेंस है आप समझ गए होंगे, और आप जो घर में म्यूजिक सिस्टम खरीदने वाले हैं या फिर खरीदेंगे भविष्य में कभी भी खरीदेंगे तो आप अपने क्वालिटी और बजट के हिसाब से अगर खरीदना चाहें तो आप खरीद सकते हैं। तीनों के डिफरेंसेस मैं तो आपको क्लियर बता दिया हूँ। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। अगर मेरा चैनल आप पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब कर लिया है तो एक लाइक कर दीजिए, लाइक कर दिया तो शेयर भी कर दीजिए। तो आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।